एंटो एग्जाम एंटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जेई 2023 की वैकेंसी आ चुकी है, तो इस बार एसएससी ने एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया है। आगे मैं बताता हूँ क्या क्या चेंजेज हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि जो ये डेट ऑफ पब्लिश हुई एडवर्टाइजमेंट वो है 26 जुलाई को, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 26 जुलाई को डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इशू हुई है, और इसका जो लास्ट डेट है वो है आपका 16 अगस्त 2023। तो आप 16 अगस्त 2023 से पहले इसको अप्लाई कर सकते हैं एसएससी जेई को। तो इसमें दोस्तों जो एसएससी जेई है उसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीन के लिए वैकेंसी आती है। जो भी डिप्लोमा या डिग्री किए हैं सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जिसमें एसएससी जेई की रिक्रूटमेंट होती है। तो डिपार्टमेंट वाइज जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट, एजेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज ऑन इतना एंड एज लिमिट, जो आपका एज लिमिट होना चाहिए 1/8/2023 से होना चाहिए, जैसे 30 ईयर्स है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप जनरल में हो। ओबीसी को 3 ईयर्स का मिलता है एज रिलैक्सेशन, उसी तरह एससी एंड एसटी को 5 ईयर्स। तो यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ में आपकी एज मैक्सिमम एज लिमिटेड जो है 30 है। उसी तरह सीपीडब्ल्यूडी में 2 साल ज़्यादा होता है, 32 साल है। सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन में आपका 30 साल होता है। फिर एक नया ये डिपार्टमेंट अप टू 30 ईयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड का है ये। तो इसका दोस्तों अभी वैकेंसी जो है नोटिफाइड नहीं है कितना वैकेंसी इसमें आनी चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इसको बाद में जो भी मिनिस्ट्री है वो इसमें बाद में ऐड करेगा वैकेंसी। तो एसएससी जेई के पास इसका भी डाटा नहीं आया है, आगे आपको बताते हैं। उसके बाद फरक्का बैराज प्रोजेक्ट सिविल और मैकेनिकल की है, इसमें भी 30 ईयर्स है। फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एमईएस, इसमें आप देख सकते हो इसमें भी 30 ईयर्स है। और इसमें दोस्तों जो क्वालिफिकेशन की बात है, यहाँ पर आपको अगर सिविल या मैकेनिकल से हो तो जो बीटेक है डिग्री होल्डर है उसको एक्सपीरियंस की इसमें आवश्यकता नहीं है। और जिसके पास डिप्लोमा की सर्टिफिकेट, जो डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक किया है, उसको मिनिमम 2 ईयर्स का सर्टिफिकेट, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविल से हैं तो सिविल में, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल में, अगर आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल में। तो ये बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा 2 साल के लिए तभी आप एमईएस चूज कर सकते हैं। आप तो एग्ज़ाम दे सकते हैं क्योंकि डिप्लोमा से आप बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे सीपीडब्ल्यूडी हो गया, उसके बाद फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, वाटर कमीशन हो गया, सिर्फ एमईएस को छोड़ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जब पोस्ट प्रेफरेंस जब आपका सिलेक्शन होगा तब आप, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एमईएस भी उसमें डाल सकते हैं आपके प्रेफरेंस में। अगर आपके पास आप डिप्लोमा किया और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हो। तो ये ध्यान देने वाला। उसके बाद दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अंडमान लक्षद्वीप हार्बर वर्क्स, ये है आपका, इसका भी 30 ईयर्स, सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी में 32 साल है मैक्सिमम एज लिमिट, नहीं तो सब में 30 है। उसके बाद एनटीआरओ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों है दोस्तों, यहाँ पे भी 30 ईयर्स है। उसके बाद मैं अगर वैकेंसी की बात करूँ, यहाँ पे टेंटेटिव वैकेंसी है दोस्तों ये, ठीक है। तो जैसे बीआरओ में है सिविल इंजीनियरिंग की 431, मैं तो इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिकल में डायरेक्ट मैं अगर चलूँ यहाँ पे देख सकते हो बीआरओ, तो बीआरओ में दोस्तों ये कि सिर्फ मेल कैंडिडेट को ही लेता है, इसमें फीमेल कैंडिडेट को नहीं लेता बीआरओ में। इसलिए बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन में जो है टोटल 55 सीट है, जिसमें से 22 आपका जनरल का है, ठीक है दोस्तों, और 15 ओबीसी का है, ये आपका 6 ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, ये एसटी का और एएससी का। सीपीडब्ल्यूडी में आप देख सकते हो सीपीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रिकल की कितनी है, 124 सीट है, जिसमें 74 जनरल का है, 10 ईडब्ल्यूएस का है और 15 क्या चीज़ का है, ओबीसी का, उसी तरह एससी और एसटी। सीडब्ल्यूसी में भी आप देख सकते हो मैकेनिकल की 23 सीट है, और इलेक्ट्रिकल की और किस में है दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं एमईएस में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में 18 सीट है। इस बार बहुत कम है क्योंकि पिछले बार ज़्यादा था, तो कभी कभी होता है कि पिछले साल जैसे 2022 में ज़्यादा था, इस बार कम होगा। जैसे 2022 में एमईएस मतलब कभी एमईएस का ज़्यादा होता है तो अगले साल एमईएस का कम होता है, उसी तरह किसी में सीपीडब्ल्यूडी का ज़्यादा होता है किसी साल तो दूसरे साल कम होता है। एज पर रिक्वायरमेंट जितना वैकेंट पोस्ट रहता है उस अनुसार से रिक्रूटमेंट आती है। तो एमईएस में आपका 18 है, जिसमें 7 जनरल का है, 2 आपका ईडब्ल्यूएस और 5 आपका हो गया ओबीसी, 13 एससी एसटी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये नई
है, मिनिस्ट्री ऐड हुई है इसमें, तो यहाँ पे 7 जो है पोस्ट है टोटल, और 7 जनरल का ही है। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटर विंग, ये मैकेनिकल की है, सिविल का 7 हो गया, एक हो गया। फिर NTRO, NTRO में सिविल की ही है सिर्फ, 4 सीट है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रिकल की 1 सीट है, वो भी किस में, ST का 1 सीट है बस, और मैकेनिकल में 1 जनरल का। तो टोटल जो है नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों 1324 आया है इस बार। ये में भी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, जब आपका फाइनल रिजल्ट जब भी आता है, SSC जब भी फाइनल रिजल्ट निकालती है अपने साइट पे, उससे पहले आपका एक उसका फाइनल वैकेंसी आ जाता है, टेंटेटिव हट के फाइनल वैकेंसी कितना है वो आ जाता है। तो मोस्टली सेम ही रहता है, कभी कभी चेंज होता है, या कभी इंक्रीज कर जाती है, कभी डिक्रीज कर जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है नंबर ऑफ वैकेंसी सेम ही रहता है। इसमें दो एक जो है डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे वैकेंसी डिपार्टमेंट वाटर रिजर्वेशन जो सिविल की है, इसको अभी इंटीमेट नहीं किया है, ड्यू कोर्स में इंटीमेट करेगा, तो उस समय जब फाइनलाइज होगा वैकेंसी का, तो उस समय ये भी ऐड होकर आ जाएगा, तो कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। और रिजर्वेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे रिजर्वेशन आपको जैसे जो OBC में उनको 3 साल, और जो SC ST है 5 साल, ये तो जितने भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, ज़्यादातर स्टेट या सेंट्रल की या PSU के, सब में यही सेम ही रहता है लिमिट, तो आप लोग को पता ही होगा, ये सब देख लीजिएगा जो भी है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे एज लिमिट की तो मैं पहले बता रखा, SC ST को 5 साल मिलता है, OBC को 3 ईयर्स, जो PWD है, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप या जो भी है, उनको 10 ईयर्स, अनरिजर्व OBC को 13 ईयर्स, SC ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें सब दिया हुआ है, और एज लिमिट जो है लास्ट रिलैक्सेशन आपको लेना है, तो ये मेन पॉइंट है, 1 अगस्त 2023 से के अंदर ही आपका एज, इसमें जो भी लिमिट है, एज लिमिट 30 ईयर्स, 32 ईयर्स है, जो भी है, या जिस भी कैटेगरी से, आपको इसके अंदर ही आपको उतना एज आना चाहिए या उससे कम, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्ट चलता हूँ, ये तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी है, मैं डायरेक्ट सिलेबस की बात करता हूँ। तो दोस्तों इस बार सबसे अच्छी बात ये हुई है कि सबसे अच्छी बात हुई है सिलेबस की, आप यहाँ पर देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इससे पहले SSC JEE जो है पहले प्री होता था और मेंस होता था, तो इस बार भी प्री और मेंस है, लेकिन प्री में क्या था, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते थे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और मेंस में जो था सब्जेक्टिव था, या डिस्क्रिप्टिव था, या कन्वेंशनल पेपर, या जो भी बोल लीजिए, सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव या कन्वेंशनल पेपर, मेंस में 300 मार्क्स का होता था। तो इस बार क्या किया SSC ने, जो प्री एग्जाम था, प्री तो सेम ही है, प्री आप देख सकते हो पेपर 1, ठीक है, अगर मतलब आपका रीजनिंग आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा 50 मार्क का, फिर जनरल अवेयरनेस आएगा 50 मार्क का, फिर आपका अगर सिविल से हो तो उससे 100 क्वेश्चन, या इधर इलेक्ट्रिकल से हो उससे 100 क्वेश्चन, या मैकेनिकल से हो 100 क्वेश्चन, तो 200 नंबर का प्री होगा, यानी पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 क्या होगा, 200 मार्क का होगा। तो पेपर 1 होने के बाद आपका, और उसमें टाइम जो है पहले जैसा ही टाइम है, 2 आवर्स है, और 2 घंटा 40 मिनट उसके लिए है, दोज हु आर एलिजिबल फॉर स्क्राइब, ठीक है, तो और सबको कितना, सिर्फ 2 आवर्स मिलेगा, किसके लिए, 200 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। इससे आपका प्री में क्वालिफाइड, जो भी प्री क्वालिफाइड होगा उसके लिए पेपर 2 होगा। तो पहले क्या होता था कि पेपर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव रहता था, ठीक है, या सब्जेक्टिव। इस बार दोस्तों क्या कर दिया, इस बार आप देख सकते हो आपका 100 क्वेश्चन जो है ये MCQ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ही है क्वेश्चन, ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, मतलब इस बार भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ऐसे क्या होता था, ऑफलाइन एग्जाम होता, सेंटर पे जाते थे तो मुझे एक बुकलेट मिलता था, बुकलेट पे आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है, 2 घंटे के अंदर आप जितना बना सकते हो 300 का। तो इस बार क्या कर दिया, 100 क्वेश्चन कर दिया, और एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन में आपको 3 मार्क्स मिलेगा। और इससे पहले दोस्त क्या था कि SSC JEE में जो निगेटिव मार्किंग नहीं थी, निगेटिव मार्किंग थी, लेकिन 1/4 का था, मतलब अगर आपका 4 गलत हो गया, ठीक है, आंसर जो 1 सही है वो भी क्या है, गलत काउंट कर, तो 1/4 ही निगेटिव था, उसको घटा के क्या कर दिया, 1/3 कर दिया। सिमिलरली पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्या है, सेम है,
इसमें भी 1/3 निगेटिव कर दिया और आपका पेपर 2 में भी 1/3 कर दिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे ये होगा कि जैसे क्या होता था कि पेपर 2 में बहुत सारे कैंडिडेट जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको उतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कन्वेंशनल पेपर का जो राइटिंग स्किल उतना सही नहीं है, और बहुत का जैसे हिंदी में लिखते हैं तो उनको बहुत कम मार्क आते थे। और कभी कभी क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द जो पेपर 2 था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का कैंसिल हो जाता था, रिजेक्ट हो जाता था, क्योंकि वो जो है क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके लिख देते थे। तो SSC J का जो रूल था, अदर आप लिखो क्वेश्चन आप अपने बुकलेट में, तो अदर इंग्लिश में लिखो जो आप आंसर लिख रहे हो, आइदर इंग्लिश या हिंदी, मिक्स नहीं करना। तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होता था। और इसे अभी क्या हो गया कि इसमें जो भी कैंडिडेट हैं, आइदर BTech है, डिप्लोमा है, तो जो भी मेहनत करेंगे पेपर 2 में, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि 1 question 3 marks का है। इसका मतलब है यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आएगा, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपका मतलब तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे 100 question है तो 100 में 40 क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल्स पक्का आएंगे, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे जैसे पेपर 1 में आते हैं। तो यहाँ पे 2 hours का, यहाँ भी पेपर 2 भी 2 hours का है, इससे पहले भी 2 hours ही था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिए कि पेपर 2 भी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड हो गया, बस 100 क्वेश्चन आएंगे आपको 2 घंटे मिलेंगे, आपको 300 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन यानी 1 question 3 marks का। और इसमें जो दोस्तों निगेटिव मार्किंग है, आइदर पेपर 1 हो या पेपर 2, आपको 1/3 होगा। इससे पहले क्या था, पेपर 1 में निगेटिव मार्किंग था 1/4 का, और पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग इसलिए नहीं था क्योंकि पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता था। इस बार क्या हो गया, इस बार दोनों MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो गया यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए इस बार निगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया नया जो चेंजेज हुआ है, वही सब यहाँ पे दिया हुआ जो आप इस पॉइंट को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं अगर सिलेबस की बात करूँ तो पेपर 1 की अगर बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएंगे, आप इस बार देख लीजिएगा सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या आएंगे, वर्बल नॉन वर्बल टाइप्स, द टेस्ट में भी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनोलॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। तो जो इससे पहले जो भी SSC JEE का जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसका जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत आसान रहा था। आप मतलब आपकी अगर तैयारी अच्छी है, ठीक है, आप मतलब अच्छे से पढ़ाई किए हो तो 50 क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आपको 45 नंबर तो आराम से आ जाते हैं। ठीक है, 45 तो आप आराम से कर देंगे, और आपकी तैयारी खूब अच्छी होगी तो आप 48-49 भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका साइंस हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें करंट अफेयर्स वगैरह पूछते हैं, लेटेस्ट इंटरनेशनल रिलेशन क्या है इंडिया का, ठीक है, नए नए जैसे सेटेलाइट लॉन्च होता है इसरो द्वारा तो कब हुआ, ये सब डेट कभी कभी पूछ देता तो वो सब करंट अफेयर में आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स से भी पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, जनरल पॉलिटी जो भी आपका, ये सबसे साइंटिफिक रिसर्च आप देख सकते हो यहाँ पर सब दिया हुआ मेंशन, आप जब एक बार सिलेबस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस में ये सब क्वेश्चन आते हैं, और जनरल अवेयरनेस में भी 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और दोस्तों क्या होता है कि जनरल अवेयरनेस में अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इसमें डिपेंड करता है कि उस ईयर में कितना क्वेश्चन आया, मतलब ठीक है उस ईयर में मतलब किस तरह का क्वेश्चन आया, कितना क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन आया, तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा सेट करता है क्वेश्चन, मतलब आप जो जानते हैं वही क्वेश्चन है कि, तो मोस्टली 50 क्वेश्चन में इसमें अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप 30 तो आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो 50 में 40 ले आता समझिए उसका तो पेपर 1 तो ऐसे क्वालिफाई हो जाएगा। मेन इसी के कारण, जो जनरल अवेयरनेस के कारण ही बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि इसमें स्कोर नहीं कर पाते। और जो भी जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मान के चलो तो इलेक्ट्रिकल में तो आपको पता है, तो आप 100 में से अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो 70-75 नंबर आप आराम से ले आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी ईजी रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड भी नहीं रहता, तो आप आराम से 70-75 नंबर ले आएंगे। तो अगर मैं पार्ट भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ जिससे आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें क्या क्या टॉपिक है, जैसे बेसिक कंसेप्ट है,
ठीक है, बेसिक कंसेप्ट मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक कंसेप्ट, फिर सर्किट लॉ क्या है, मैग्नेटिक सर्किट क्या है, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इससे कम से कम 15 क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन से कम 10 क्वेश्चन रहेंगे आपको। ठीक है, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर एंड सिंपल सिंगल फेज मोटर्स, मतलब इससे भी, ये दोनों मिला के इससे भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब मशीन से 20 क्वेश्चन हो गया। सिंक्रोनस मशीन से कम 5 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। फिर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो टोटल मिला के लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे। और बहुत ही, अगर आप जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी जेई प्री का, अगर आप उसको, जैसे मेडीजी का बुक आता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल, वो अगर आप लेके उसको आप लगा के चले जाइए, और उसके बाद कुछ कुछ बुक हैं जैसे एमसीक्यू बुक हैं, तो अगर वो सब लगा के जाएंगे, जेबी गुप्ता, बहुत सारे बुक हैं, वो आपको मैं एक दिन बता दूंगा क्या क्या है, तो उसको अगर आप एक बार करके जाएंगे अच्छे से, तो आप आराम से इसमें 100 में से 75 प्लस स्कोर कर लेंगे। ठीक है, और करना ही पड़ेगा, अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो आपको 75 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब क्या है कि प्री में 200 में अगर आप देखो ना, तो 200 में कट ऑफ 135 प्लस ही रहता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ईजी हो गया तो एक बार तो 160 प्लस चला गया था। ठीक है, तो इसलिए आप उस तरह से तैयारी करो कि आपको मतलब कम्पीट कर सको कंपटीशन को, क्योंकि तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें बेसिक तो आपको परफेक्ट क्लियर होना चाहिए। और एसएससी जेई में मोस्टली बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा न्यूमेरिकल पूछ देंगे गेट टाइप का, गेट में जैसा क्वेश्चन आता है वैसा नहीं पूछता, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ कुछ नया रहता है, तो इसलिए जो नया रहता है तो वो तो अगर आप अच्छे से पढ़ें तो वो भी बन जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जैसे 100 क्वेश्चन है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 90 क्वेश्चन तो जानते ही होंगे, 90 क्वेश्चन आपको पता होगा। तो उसमें क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक के कारण हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय सही नहीं रहता है। ठीक है, उस समय कभी कभी होता है कि आप क्वेश्चन जानते हुए आपको उस टाइम आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, किक नहीं कर पाता, तो जिस कारण से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, और सबसे बड़ी बात है आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, जितना टेस्ट सीरीज़ दीजिएगा तो उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। जो भी कैंडिडेट एसएससी जेई को मतलब उन्हें सीरियस मोड पे तैयारी करें, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज़ देना बहुत अनिवार्य है। टेस्ट सीरीज़ देने से आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आप जब जैसे 2 घंटे का रहता था, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब आप 2 घंटे में कितना क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट बन जाएगी, और जब टेस्ट, और ऑनेस्टी के साथ दीजिए टेस्ट सीरीज, ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो सीरियस हो जाएगा, 2 घंटे का टेस्ट सीरीज है, 2 घंटे हमको देना है, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, उसको 2 घंटा दीजिए, और उसके बाद जितना भी क्वेश्चन किए हैं आप सबमिट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, आपका जनरल अवेयरनेस पार्ट सही है कि नहीं, या रीजनिंग पार्ट सही नहीं है, या इंजीनियरिंग का पार्ट सही नहीं है, तो पता चल जाएगा। आप एनालिसिस कीजिए खुद पे। जब आप ऐसे करते करते महीने में अगर 20 टेस्ट सीरीज भी दिए, पर डे अगर एक एक भी दिए तो 30 हो जाता है, तो आप 30 टेस्ट सीरीज बाद आप खुद अपने आप को जज कर पाएंगे। तो ये आपका पार्ट भी हो गया। उसके बाद पेपर टू दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं। पेपर टू भी क्या बोले, 100 क्वेश्चन आएगा और 300 मार्क आएगा, और नेगेटिव क्या है, 1/3 नेगेटिव। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ इलेक्ट्रिकल के सिलेबस पे। यहाँ पे पार्ट बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या आएगा, सर्किट लॉ है, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल आप एक बार देख लीजिएगा, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन है, सिंक्रोनस मशीन है, उसके बाद जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सब टॉपिक्स हैं, यही सब टॉपिक्स जो प्री में है दोस्तों, वही मेंस में है। ये अच्छी बात है, अगर आप प्री का अच्छे से तैयारी कर लिए और अगर आपका रिजल्ट हो जाता तो मेंस तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे भी प्री में, क्योंकि प्री में अगर आपका समझिए कि इलेक्ट्रिकल में 1 लाख बंदा एग्ज़ाम देता है, ठीक है, 1 लाख में लगभग 8 से 9 हज़ार, 8 to 9 times 8 से 9 हज़ार बंदा क्या होगा, मेंस के लिए जाएगा। तो मेंस में ऐसे ही आपका कंपटीशन कम हो गया तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, तो इसलिए आप उसको अच्छे से तैयारी कीजिए। और उसके बाद तो बाद की बात है, जो डीबी वी तो आपका जब सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको एक बताएंगे कि डीबी में क्या क्या होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको
कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई करूँगा आपकी क्वेरी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।